यूपी के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद इस वक्त सुर्खियों में है। दरअसल यहां मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद शंगरा गौरी की रोज पूजा अर्चना की मांग की जा रही है, जिसकी वजह से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में जब श्रृंगार गौरी परिसर में सर्वे और वीडियोग्राफी की गई थी तो मस्जिद के पास दो स्वास्तिकों के निशान देखे गए थे, लेकिन शनिवार को जब विरोध काफी बढ़ गया तो प्रशासन की तरफ से सर्वे को रोक दिया गया। वाराणसी में माँ श्रृंगार गौरी से जुड़े ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के मुकदमे में आज पहले दिन सुनवाई खत्म हो गई है। सिविल जज की अदालत में दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे हैं। वहीं एडवोकेट कमिश्नर को बदलने वाली मांग पर सुनवाई कल यानी 10 मई को होगी। अब तक हुए सर्वे की रिपोर्ट भी कल यानी मंगलवार को अदालत में रखी जाएगी। सुनवाई के दौरान अदालत परिसर में गहमा गहमी भी रही। दरअसल 7 मई को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार को हटाने की मांग की थी। कमेटी का कहना था एडवोकेट ईमानदारी से सर्वे नहीं कर रहे हैं। मस्जिद कमेटी की याचिका पर अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर को अपना पक्ष दाखिल करने के लिए कहा है। इसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। तो वहीं इस मामले में रविवार को आए नए मोड़ में भी ट्विस्ट आ गया है। मां श्रृंगार गौरी विवाद की मुख्य पक्षकार राखी सिंह भी दूसरी चार महिलाओं की तरह अब अपना केस वापस नहीं लेंगी। ये बात उनके वकील ने आज अदालत में रखी थी। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन के नेतृत्व में राखी सिंह सहित पांच महिलाओं ने वाराणसी की जिला अदालत में अगस्त 2021 में मुकदमा दाखिल किया था। अदालत से मांग की थी कि मां श्रृंगार गौरी की रोज पूजा करने की इजाजत दी जाए। अब इस विवाद पर अदालत कल फिर सुनवाई करेगी और अगली सर्वे की तारीख का ऐलान करेगी। ऐसे में अदालत में कल होने वाली सुनवाई काफी अहम मानी जा रही है।